जब हम मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं तो वो बढ़ जाती है, और जब हम इसे कम करते हैं तो वो कम हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्राइटनेस को कम करने के लिए मोबाइल की स्क्रीन को एक सेकंड में सैकड़ों बार ऑन ऑफ होना पड़ता है, और 100% के नीचे के सभी ब्राइटनेस लेवल पर स्क्रीन एक सेकंड में सैकड़ों बार ऑन ऑफ हो रही होती है। स्क्रीन ब्राइटनेस को कम करने की ये टेक्निक पल्स विद मॉड्यूलेशन कहलाती है। लेकिन स्क्रीन अगर चलते समय इतनी बार ऑन ऑफ होती है तो हमारी आंखों को उसका पता क्यों नहीं चलता? और दूसरा, ये हमारे सर दर्द, माइग्रेन और आंखों की थकावट का कारण कैसे बन सकती है, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। मोबाइल की ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए दो तकनीकों का इस्तेमाल होता है, PWM और DC डिमिंग। DC डिमिंग बहुत सिंपल टेक्निक है जिसमें स्क्रीन ब्राइटनेस को उसकी पावर सप्लाई से कंट्रोल किया जाता है। जैसे 100% ब्राइटनेस के लिए स्क्रीन को पूरी पावर सप्लाई दी जाती है और ब्राइटनेस को कम करने के लिए उसकी पावर सप्लाई को कम कर दिया जाता है, वैसे ही जैसे कम बिजली पर एक बल्ब कम जलता है और पूरी बिजली पर पूरा। लेकिन PWM या फिर पल्स विद मॉड्यूलेशन एक कम्प्लेक्स टेक्निक है जिसमें दिमाग को एक तरह से धोखा दिया जाता है, क्योंकि PWM टेक्निक वाली डिस्प्ले असल में ब्राइटनेस को कम या ज्यादा नहीं करती बल्कि वो फ्लिकर करती है, यानी कि वो एक सेकंड में 100 से लेकर 1000 या फिर इससे भी ज्यादा बार ऑन ऑफ होती है, जिससे दिमाग को स्क्रीन ब्राइटनेस के कम होने का भ्रम होता है। इंसानी दिमाग आंखों के जरिए दिखने वाली 50 से 60 हर्ट्ज तक की फ्लिकरिंग को महसूस कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा की फ्लिकरिंग को वो अलग अलग देखने के बजाय एक साथ जोड़कर देखता है, और PWM टेक्निक इसी चीज को ध्यान में रखकर बनी है। पल्स विद मॉड्यूलेशन वाली स्क्रीन की ब्राइटनेस जब 100% पर होती है तब वो स्क्रीन फ्लिकर नहीं करती, लेकिन जब हम उसकी ब्राइटनेस को कम करना शुरू करते हैं वैसे वैसे ही फ्लिकरिंग या फिर स्क्रीन के ऑन ऑफ होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ब्राइटनेस जब 75% पर है तब 1 सेकंड का 75वां हिस्सा स्क्रीन ऑन रहेगी और 25वां हिस्सा बंद। 50% ब्राइटनेस पर 1 सेकंड का आधा समय स्क्रीन ऑन होगी और आधा समय बंद। ऐसे ब्राइटनेस के कम होने के साथ साथ ही स्क्रीन के बंद रहने का समय बढ़ता जाता है, और 1 सेकंड में ही स्क्रीन ऑन ऑफ होने की ये प्रक्रिया सैकड़ों या हजारों बार होती है, जिस कारण हम इसे महसूस नहीं कर पाते। जैसे लेफ्ट साइड वाले मोबाइल की LCD डिस्प्ले DC डिमिंग का इस्तेमाल कर रही है और राइट साइड वाले मोबाइल की AMOLED डिस्प्ले PWM का। अब यहाँ तक तो दोनों डिस्प्ले एक जैसी लग रही हैं, लेकिन जैसे ही हम कैमरे की शटर स्पीड को कम करना शुरू करते हैं वैसे ही AMOLED स्क्रीन पर ये लाइंस दिखाई देने लगती हैं, जो PWM के कारण ऑन ऑफ होती स्क्रीन का सबूत हैं, लेकिन दूसरे डिस्प्ले में कोई फर्क नजर नहीं आता। अब जैसे ही हम AMOLED डिस्प्ले की ब्राइटनेस 100% करते हैं तो वैसे ही ये लाइंस खत्म हो जाती हैं, क्योंकि तब स्क्रीन फ्लिकर करना बंद करके पूरा समय ऑन रहती है और ब्राइटनेस कम करने पर लाइंस फिर से वापस आ जाती हैं। ज्यादातर लोगों में तो PWM आंखें थकाने के अलावा और कुछ नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों में ये सर दर्द, उल्टी आने जैसे लक्षण या फिर माइग्रेन ट्रिगर करने का कारण बन सकती है, क्योंकि उन लोगों को स्क्रीन फ्लिकरिंग दिखती रहती है। इसीलिए कंपनियां ज्यादातर PWM वाली डिस्प्ले में DC डिमिंग का ऑप्शन भी देती हैं। जैसे PWM के चलते इस डिस्प्ले पर लाइंस दिख रही हैं, लेकिन DC डिमिंग ऑन करने पर ये लाइंस ना के बराबर रह जाती हैं या फिर गायब हो जाती हैं। तो अब सवाल ये भी है कि अगर DC डिमिंग PWM से बेहतर है तो कंपनियां सिर्फ DC डिमिंग का ही इस्तेमाल क्यों नहीं करती? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब डिस्प्लेज, खासकर OLED और AMOLED डिस्प्लेज की ब्राइटनेस DC डिमिंग के इस्तेमाल से कम की जाती है तो ब्राइटनेस के साथ साथ डिस्प्ले के रंग भी कम होने शुरू हो जाते हैं या फिर वो खराब होने लगते हैं। दूसरा, DC डिमिंग के मुकाबले PWM का इस्तेमाल करके ब्राइटनेस को ज्यादा बारीकी से एडजस्ट करने में मदद मिलती है, इसीलिए OLED और AMOLED डिस्प्लेज में ज्यादातर PWM का इस्तेमाल होता है, और जिन लोगों को इससे परेशानी आती है उनके लिए DC डिमिंग एक ऑप्शन के तौर पर डिस्प्ले सेटिंग में दे दी जाती है। तो अगर आपको मोबाइल, लैपटॉप या TV स्क्रीन देखते समय सरदर्द या चक्कर की शिकायत होती है या फिर किसी एक मोबाइल या डिस्प्ले को देखने से ही ये शिकायत होती है तो इसका कारण पल्स विद मॉड्यूलेशन भी हो सकता है। इसीलिए डिस्प्ले को सिर्फ देखिए ही मत बल्कि उस पर ध्यान भी दीजिए ताकि आपकी आंखें ज्यादा सेफ रह सकें। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।